हेलो टू ऑल, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम स्टेज पे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे ओलंपियाड एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ। इस ओलंपियाड एग्जाम में आप लोग पार्टिसिपेट करके अच्छा परफॉर्मेंस करके लाखों रुपए तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं, लैपटॉप जीत सकते हैं, टैबलेट जीत सकते हैं, नेशनल लेवल पर अपने टैलेंट को आप दिखा सकते हैं, न्यूज़ पेपर पर आपको मीडिया कवरेज मिलेगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस ओलंपियाड एग्जाम के बारे में सारा कुछ बताने वाला हूं कि इस ओलंपियाड एग्जाम में किस किस क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इसका पार्टिसिपेशन फ़ी है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, प्राइजेज वगैरह के बारे में सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करके इस ओलंपियाड एग्ज़ाम का बेनिफिट उठा सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी इस तरह का ओलंपियाड या स्कॉलरशिप रिलेटेड जो भी वीडियो डालूं या इंडियन टैलेंट ओलंपियाड से रिलेटेड जो भी अपडेट डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसे आप लोग अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस ओलंपियाड का नाम है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। तो ये इंडियन टैलेंट ओलंपियाड वन ऑफ द बिगेस्ट ओलंपियाड है इंडिया का, ठीक है। ये इंडियन टैलेंट ओलंपियाड वन ऑफ द बिगेस्ट ओलंपियाड है इंडिया का। तो देखिए ये जो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है ये दो बेसिस पे ऑर्गेनाइज होता है, एक मंथली बेसिस पे ऑर्गेनाइज होता है, एक ईयरली बेसिस पे ऑर्गेनाइज होता है। देखिए ये जो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है इसमें किस किस क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड में क्लास वन से लेकर क्लास टेन के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका पार्टिसिपेशन फी अलग अलग है, यानी ईयरली बेसिस पे इसका पार्टिसिपेशन फी अलग है और मंथली बेसिस पर पार्टिसिपेशन फी अलग है, यानी ये ईयरली बेसिस पर ऑर्गेनाइज होता है और मंथली बेसिस पर ऑर्गेनाइज होता है इसका एग्जाम। तो मैं आपको दोनों अलग अलग करके बता दूंगा, पहले मैं आप लोगों को ईयरली बेसिस पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, उसके बाद मैं मंथली बेसिस पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए सबसे पहले ईयरली बेसिस पे मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो देखिए ये इंडियन टैलेंट ओलंपियाड जो ईयरली बेसिस पर ऑर्गेनाइज होता है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि क्लास वन से लेकर टेन तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका जो पार्टिसिपेशन फ़ी है इसका पार्टिसिपेशन फ़ी 150 रुपया है ईयरली बेसिस पे। क्या है इसका पार्टिसिपेशन फ़ी? 150 रुपया पर सब्जेक्ट है। अब ये कितने सब्जेक्ट में होता है? ये 8 सब्जेक्ट में ये टोटल कंडक्ट होता है ये जो ईयरली है। ये देखिए कितना सब्जेक्ट में होता है, टोटल 8 सब्जेक्ट में। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड होता है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड होता है, इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है, जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है, इंटरनेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड होता है, इंटरनेशनल ड्राइंग ओलंपियाड होता है, नेशनल एसे ओलंपियाड होता है, नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड होता है। अब देखिए इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है 50 रहता है, क्लास वन से लेकर टेन तक के लिए टोटल मार्क्स भी 50 रहता है, और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 45 मिनट का होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ द एग्ज़ाम क्या होता है, यानी सेंटर जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का जो सेंटर होता है वो स्कूल भी हो सकता है और घर से भी स्टूडेंट दे सकते हैं, यानी स्कूल से अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं स्कूल से बच्चे, और अगर घर से भी देना चाहते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम तो घर से भी बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है। अब देखिए इसमें अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 1 सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, और अगर 4 सब्जेक्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 2 सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन आपको फ्री मिलेगा। और जो स्कॉलरशिप पहले पा चुके हैं, यानी स्कॉलरशिप जो पहले जीत चुके हैं, जो बच्चे जो स्टूडेंट पहले स्कॉलरशिप जीत चुके हैं उनको एक भी रुपया एग्जामिनेशन फी पे नहीं करना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो है ये किन के लिए है? ये जो है ऑफलाइन स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए ओनली है, यानी जो ऑनलाइन अगर इस एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल ये ऑफ़र नहीं है। ये ऑफ़र उन्हीं के लिए है जो कि ऑफलाइन स्कूल एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये ऑफ़र एप्लीकेबल है। अब देखिए इनमें जिन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, यानी फर्स्ट प्राइज में जो बच्चे फर्स्ट प्राइज के लिए विनर होते हैं उनको क्या मिलता है? तो देखिए फर्स्ट प्राइज जो आते हैं नेशनल लेवल पे, जो फर्स्ट प्राइज जिनको मिलता है तो उनको क्या मिलता है? 8 स्टूडेंट को 1 लाख रुपये, 1-1 लाख रुपया मिलता है 8 स्टूडेंट को, ठीक है, जो फर्स्ट प्राइज विनर होते हैं। सेकेंड प्राइज विनर को क्या मिलता है? 40,000, यानी 40,000
कितने स्टूडेंट को मिलता है, 10 स्टूडेंट को 40-40 हज़ार करके मिलता है ये नेशनल लेवल पे, जो सेकंड प्राइज के विनर होते हैं। थर्ड प्राइज विनर को क्या मिलता है, थर्ड प्राइज विनर को 10 स्टूडेंट को क्या मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, लैपटॉप मिलता है। और जो फोर्थ प्राइज विनर होते हैं, फोर्थ प्राइज विनर को यानी 100 स्टूडेंट को क्या मिलता है, वो टैबलेट मिलता है। तो ये एनुअल यानी कि ईयरली बेसिस पे जो ओलंपियाड एग्जाम ऑर्गेनाइज होता है ऑटो सब्जेक्ट में, तो उसमें ये मिलता है क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के जो नेशनल लेवल के विनर होते हैं उनको ये मिलता है, ठीक है। और स्टेट लेवल के विनर को क्या मिलता है, ये देखिए स्टेट लेवल के विनर को स्कॉलरशिप ऑफ एक्सलेंस हर सब्जेक्ट में मिलता है, 200 कैंडिडेट को 4000 का स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। 200 स्टूडेंट को यानी 200 कैंडिडेट को स्कॉलरशिप ऑफ एक्सलेंस हर सब्जेक्ट में मिलता है 4000 का स्कॉलरशिप, और रैंक 1 to 10 को मिलता है मेरिट सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल एंड स्कॉलरशिप मिलता है, एंड रैंक 11 to 25 को मिलता है एक्सलेंस अवार्ड एंड मेडल मिलता है। अब देखिए क्लास टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर को क्या मिलता है, तो 3 स्टूडेंट टॉपिंग देयर स्टैंडर्ड क्लास 1 to 10 यानी क्लास 1 से 10th में 3 स्टूडेंट जो टॉपर रहते हैं, क्लास टॉपर रहते हैं, उनको गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट मिलता है विद रैंक डिटेल्स एंड स्टूडेंट रिपोर्ट बुकलेट मिलता है। और जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर होते हैं उनको अवार्ड मेडल मिलता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक ना। तो ये होता है क्लास टॉपर एंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिए। मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि 150 रुपया इसमें ईयरली जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये ओलंपियाड, उसमें 150 रुपया पार्टिसिपेशन फ़ी लगता है। और अगर आप लोग इस ओलंपियाड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस ओलंपियाड के वेबसाइट पे आपको वर्कबुक मिलेगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का भी बुक मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो वर्कबुक मिलता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिलता है, तो प्रिपरेशन करने के लिए तो उसका आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लेना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग लेना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए 120 रुपीज़ आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और अगर आप वर्कबुक ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो वर्कबुक 80-80 रुपया का होता है ये वर्कबुक हर सब्जेक्ट का, ठीक है, ये आप ख़रीद सकते हैं। कॉम्बो पैक भी मिलता है, कॉम्बो पैक में आपको 3-4 सब्जेक्ट को मिलाकर आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर और जो वर्कबुक होता है, तो उसका अलग चार्जेज है, तो वो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसका वेबसाइट है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ आप लोग को, इस वेबसाइट का वेब एड्रेस भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। ऐसे इसका वेबसाइट है www.indiantalent.org, ये इसका वेबसाइट है, ठीक है। ये देखिए इसका वेबसाइट ओपन हो रहा है, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ, ये इसका वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये यहाँ पे बाय नाउ है, यहाँ पे जो भी वर्कबुक, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आप यहाँ से बाय नाउ में आकर के आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं इस ओलंपियाड के प्रिपरेशन के लिए। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वर्कबुक है क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के, कॉम्बो पैक भी है क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के लिए, बाय सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर भी है ना, पावर पैक्स वगैरह है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से वर्कबुक वगैरह भी आप लोग परचेज कर सकते हैं इस ओलंपियाड के प्रिपरेशन के लिए। हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल भी है और कॉम्बो पैक में आपको 2-3 सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ईयरली ओलंपियाड एग्जाम आपका ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है, तो अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ये इसमें बहुत सारे स्कूल भी रजिस्टर हो सकते हैं ऑफलाइन एग्जाम के लिए और ऑनलाइन एग्जाम के लिए। तो इसमें रजिस्ट्रेशन आप जो भी बच्चे का कराना चाहते हैं उन सारे बच्चों का फॉर्म भरकर, ऑफलाइन फॉर्म भरकर और उन बच्चों का डिटेल का लिस्ट बनाकर और जो टोटल अमाउंट है उनका अपडेट ही बनाकर इंडियन टैलेंट के ऑफिस में आप कुरियर से भेज सकते हैं। तो ये देखिए कुछ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का जो शेड्यूल है मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या शेड्यूल है इंडिया इस ईयरली जो ओलंपियाड ऑर्गेनाइज होता है उसका क्या शेड्यूल है ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम के लिए। ये देखिए ये शेड्यूल है ऑफलाइन एग्जाम के लिए, ये देख पा रहे हैं 29 नवंबर 2021 से स्टार्ट है, ठीक है, और ये इस तरह का आपका 4 दिसंबर 2021 तक ये ऑफलाइन एग्जाम का शेड्यूल है। और ऑनलाइन एग्जाम का शेड्यूल है 6 दिसंबर 2021 से लेकर 11 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड का ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एग्जाम का शेड्यूल है। तो देखिए ये जो फर्स्ट राउंड है
ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे राउंड टू एग्जाम विल बी इन फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। तो फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड जो होगा वो आपके फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी में होगा, यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा, जो कि डेट आप लोगों को इंटीमेट कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद। सब्जेक्ट का सेकेंड राउंड नहीं होगा, कुछ सब्जेक्ट का ही सेकेंड राउंड होता है, कुछ सब्जेक्ट का सेकेंड राउंड नहीं होगा, वन राउंड ही होगा, जैसे कि ड्राइंग वगैरह का। तो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट का फर्स्ट राउंड ही होगा, सेकेंड राउंड नहीं होंगे। ICO, IDO, NESO एंड NSSO एग्जाम्स हैव ओनली वन राउंड, यानी कि जो ICO यानी कंप्यूटर का जो होता है, ड्राइंग का होता है, ठीक है, और NESO एंड NSSO, तो ये सब का जो यानी ऐसे और सोशल स्टडीज का जो एग्ज़ाम होता है, इसका सिर्फ वन राउंड ही होता है, सेकेंड राउंड नहीं होता। सेकेंड राउंड होता है आपका साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, GK का, इसका सेकेंड राउंड होता है। बाकी बाद ये सब का कंप्यूटर, ड्राइंग और ऐसे और साइंस, सोशल साइंस का एंड सोशल स्टडीज का सेकेंड राउंड नहीं। जो इसका रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है, वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2021 है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2021। अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2021 और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021। ठीक है, अगर कोई भी स्कूल अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे अपने बच्चों का, तो फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेंडिंग फाइनल स्टूडेंट लिस्ट एंड पेमेंट ऑफ एग्जाम फीस इन DD फॉर्मेट टू इंडियन टैलेंट ओलंपियाड ऑफिस। मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर ऑफलाइन मोड पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपने बच्चों का, तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भर लें, और फाइनल स्टूडेंट लिस्ट एंड पेमेंट का जो फी है वो DD के फॉर्म में इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के ऑफिस में आप लोग भेज सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आना पड़ेगा इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के वेबसाइट में पे आकर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, तो इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि एनुअल एंड मंथली दोनों के लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपको ये रुपीज या डॉलर में, रुपीज चूँकि आप इंडियन स्टेट से हैं तो यहाँ पे आपको रुपीज ही सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट नेम देना है, पेरेंट नेम देना है, यहाँ पे पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, स्कूल नेम देना है, स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं वो देना है, पासवर्ड यहाँ से बनाना है। ठीक है, ये पासवर्ड आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो इस पासवर्ड का आपको ज़रूरत पड़ेगा, और मोबाइल नंबर दोनों का ज़रूरत पड़ेगा, और एड्रेस आपका क्या एड्रेस है वो आप यहाँ पे एड्रेस, स्ट्रीट, ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से भर करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप मंथली जो लेना चाहते हैं, मंथली टेस्ट सीरीज, अगर आप मंथ वाइज एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं, तो यहाँ से हर थ्री मंथ और सिक्स मंथ और वन ईयर का है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर एनुअल एग्ज़ाम ही सिर्फ आप देना चाहते हैं, तो एनुअल एग्ज़ाम के लिए आप जिस सब्जेक्ट का देना चाहते हैं यहाँ से आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस जिस सब्जेक्ट का आप एनुअल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर जिस सब्जेक्ट का आप मंथली देना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों अगर देना चाहते हैं तो दोनों आप यहाँ से, इधर से और इधर से भी जिसका देना चाहते हैं आप उसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या और अगर रिपोर्ट कार्ड चाहिए तो रिपोर्ट कार्ड को भी आप यहाँ से टिक कर लें, ताकि रिपोर्ट कार्ड भी आएगा, और फाइनल जा करके आप ये दोनों पे टिक कर लें, सेंड मी SMS, ईमेल फॉर प्रमोशन ऑफर, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, और साइन अप कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए मंथली बेसिस पे जो ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, तो ये कितने सब्जेक्ट में होता है, ये 6 सब्जेक्ट में ही होता है। ठीक है, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड, इंटरनेशनल ड्राइंग ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड एंड नेशनल SA ओलंपियाड, सिर्फ 6 सब्जेक्ट में ही ये क्या होता है आपका मंथली वाला ऑर्गेनाइज होता है। तो देखिए इसमें ईयरली प्राइजेज भी मिलते हैं और मंथली प्राइजेज भी मिलते हैं। मंथली प्राइजेज क्या मिलते हैं, फर्स्ट रैंक होल्डर्स को मिलता है 1500 का स्कॉलरशिप मिलता है फॉर क्लास 1 से 10 तक के स्टूडेंट को, ठीक है, और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंक होल्डर्स को मिलता है 500, 300 और 200 का जो स्कॉलरशिप मिलता है वो मिलता है, और मंथली सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट कार्ड मिलता है, एंड ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट डिजिटल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, और जितने भी बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, सारे लोगों को क्या मिलता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है,
आप देखिए जो ईयरली प्राइजेज क्या रहता है इसमें, ईयरली प्राइजेज फर्स्ट रैंक को 10 स्टूडेंट को लैपटॉप मिलता है क्लास 1 से 10 तक को, है ना, हर स्टूडेंट को लैपटॉप मिलता है, टोटल 10 स्टूडेंट को मिलता है। ईयरली सेकंड रैंक को 10 स्टूडेंट को टैबलेट मिलता है क्लास 1 से 10 क्लास तक के बच्चों को। और इसका जो फी स्ट्रक्चर है, एग्जाम फी क्या है, इसका 3 महीना के लिए जो है 250-250 रुपया करके लगता है। अगर आप 3 महीना के लिए आप इसका मतलब कॉम खरीदना चाहते हैं, मतलब एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 3 महीना के लिए आप सब्सक्रिप्शन इसका लेना चाहते हैं एग्ज़ाम का, तो आपको 250-250 पर सब्जेक्ट के लिए पे करना होगा। और अगर 6 महीना के लिए आप टेस्ट देना चाहते हैं तो 6 महीना की जो टेस्ट फी है वो 499 है। और अगर 1 ईयर के लिए देना चाहते हैं आप टेस्ट, तो 1 ईयर का आपको एक ही बार 999 लगेगा। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, अगर आप 3 महीना के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं कि हर मंथ आप इससे इतना पे करके आप 3 महीना तक आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, तो 250 रुपये आपको पे करना होगा। अगर 6 मंथ टेस्ट सीरीज को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 499 पे करना होगा। और अगर 1 ईयर टेस्ट सीरीज को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 999 पे करना होगा। वर्कबुक और सैंपल पेपर अगर खरीदना चाहते हैं तो उसका जो वही रेट है, यानी वर्कबुक का 80 रुपीज़ है और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है वो 120 रुपीज़ है। और आप मंथली टेस्ट सीरीज का एग्ज़ाम देने के लिए आप कभी भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पूरे ईयर आपका रजिस्ट्रेशन इसमें चलता रहता है, जब तक आपका वो जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन का दिया हुआ तब तक आप इसमें मंथली का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मंथली टेस्ट सीरीज के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जाम शेड्यूल है, यानी मंथली जो टेस्ट सीरीज है उसका एग्जाम शेड्यूल है ये, ठीक है। ये देखिए जीके एंड एसए का है, अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, जून मंथ में, इस तरह सारा कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल अप्रैल से लेकर आपका मार्च तक, ठीक है, यानी अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का ये सारा कुछ दिया हुआ है। फिर इंग्लिश एंड ड्राइंग का दिया हुआ, साइंस एंड मैथ का दिया हुआ, ये सारा कुछ मंथली टेस्ट सीरीज का एग्जाम शेड्यूल दिया हुआ है। और अगर आप मंथली के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको फिर से ये इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे जाकर आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद आप जैसे ईयरली के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी तरह यहाँ पे आप मंथली के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सारा कुछ स्टूडेंट नेम, पेरेंट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्कूल नेम, स्टैंडर्ड पासवर्ड, एड्रेस, ठीक है, पिन कोड, स्टेट वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे मंथली के लिए देखिए ये 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से सेलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों पे टिक करके आप साइनअप कर सकते हैं। देखिए इस ये जो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के जो डायरेक्टर है वो मधुमती एम है, और जो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर है पीटी उषा के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये फॉर्मर ओलंपिक प्लेयर है, यानी पहले ये ओलंपिक प्लेयर रह चुके हैं पीटी उषा, तो पीटी उषा इनके एडवाइजरी कमेटी में है। फिर शशिधर के मराली है जो कि आईएम गोल्ड मेडलिस्ट है, आईएम से गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। एंड एचबी होलकर है जो कि वाइस चांसलर है कर्नाटका यूनिवर्सिटी के, एंड बीआर पाटिल है जो कि रिटायर्ड आईएएस होते हैं। इसी से पता चल जाता है कि इस इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का क्या लेवल है। आप लोगों को एक नेशनल टॉपर का मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा दूँ। ये देखिए ओलंपियाड रिजल्ट है, देखिए स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, कबीर शर्मा है, ठीक है, ये इनका रोल नंबर है। और ये देखिए सब्जेक्ट, इन्होंने किस किस सब्जेक्ट के लिए इस ओलंपियाड एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए जिनका नेशनल रैंक यहाँ पे 95 है, और जीके इंटरनेशनल ओलंपियाड जिसमें नेशनल रैंक इनका 1 है, नेशनल टॉपर है, और 50,000 का स्कॉलरशिप इन्होंने जीता। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ नेशनल टॉपर एंड यू हैव वन द स्कॉलरशिप, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे। और इंटरनेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड और इस तरह का बहुत सारे 2-3 सब्जेक्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट ये इंटरनेशनल जीके इंटरनेशनल ओलंपियाड में इन्होंने नेशनल टॉप किया है, ये देख पा रहे। ये इनका देखिए डिजिटल सर्टिफिकेट है जिसे मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इनका ये डिजिटल सर्टिफिकेट है, कबीर शर्मा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है ना, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है ना, जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड, नेशनल टॉपर है, देख पा रहे हैं आप लोग। इनका रोल नंबर है, ठीक है, इस स्कूल से है ये, इनका स्कूल का नाम है, और ये इंडियन, और ये देखिए ये पीटी उषा जो है, वी बिलीव ऑल स्टूडेंट्स कैन अचीव, ये पीटी उषा का भी जो वेल विशेष है ये रहता है यहाँ पे, ठीक है, और डायरेक्टर का सिग्नेचर रहता है यहाँ पे, देख पा रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो
प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, ये देखिए 1 लाख प्राइज स्कॉलरशिप यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे भी देख पा रहे हैं 1 लाख प्राइज स्कॉलर 1 लाख का जो प्राइज स्कॉलरशिप है ये दिया जा रहा है, देख पा रहे हैं अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे। ये देखिए लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। फिर ये देखिए 10,000 का प्राइज स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। फिर 50,000 का प्राइज स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। 50,000 का प्राइज स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। 50,000 का प्राइज स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। 20,000 का, ठीक है, 1 लाख का प्राइज स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। ये आप लोग अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ था इंडियन टैलेंट ओलंपियाड एग्ज़ाम के बारे में। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। ये इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का और भी बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो बहुत सारा क्वेश्चंस को मैं उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों और स्टूडेंट को इसके बारे में पता चल सके, और स्टूडेंट इस ओलंपियाड में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके इस ओलंपियाड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी इस तरह का ओलंपियाड या स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और जो भी मैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड से रिलेटेड जो भी अपडेट डालूँ, रिजल्ट या एग्जाम शेड्यूल या जो भी और भी इसका वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।